अभी जस्ट मैंने एक ठंडा शावर लिया है, इट फील्स रियली रिफ्रेशिंग। सोच रहा हूँ यार दोपहर को जिम के बाद या जब भी जिम से वापस आता हूँ, आई स्टार्ट हैविंग कोल्ड शावर आफ्टर दैट। तो ये एक हैबिट है जो मैं मेरे डेली रूटीन में अभी इंक्लूड करने वाला हूँ। व्हाट्स अप गाइज, अभी घर से निकलने का टाइम आ गया है। एज यू गाइज नो, अगर आपने पिछले वीडियो देखा था सो यू गाइज नो कि वॉल्व बंद हो रहा है, 3 दिन ही बाकी है। सो टुडे इज आर फाइनल पुश डे एट वॉल्व, तो जाके वर्कआउट को स्मैश करते हैं। बट बिफोर वी रीच द जिम हमको बीच में एक छोटा पिट स्टॉप लेना है एंड वी हैव टू कम्प्लीट वन टाइनी टास्क, तो सबसे पहले जाके वो करते हैं। पीटी तो हो रहा है, जिम बंद हो रहा है, बट इट्स ओपनिंग फॉर अ बेटर प्लेस, बेटर इक्विपमेंट इज कमिंग एज वेल, सो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। ये डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस मैं आप सभी को वर्कआउट के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सो अभी जिम जाते हैं, अभिषेक मेरे लिए रुका है, सो लेट्स गो टू द जिम। व्हाट अ वर्कआउट, आई फाइनली गॉट 50 kgs फॉर 8 reps। इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज आई बिन ट्राइंग, जैसे आप सभी देख रहे हो, फॉर द पास्ट 3 weeks टू ब्रेक माई PR ऑन दिस। तो फाइनली आज लास्ट डे था हमारा, आई मीन लास्ट पुश डे था एवॉल्व पे, सो दैट इज डन नाउ। अभी मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ कि वॉट दैट पीस ऑफ पेपर वॉज। लगभग 4 हफ्ते पहले मैंने मेरा डॉक्यूमेंट्स दिया था एट अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड आई टोल्ड देम कि मुझे मेरा नाम बदलना है, क्योंकि जैसे आप सभी को मालूम है, अगर आप मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हो, सो यू ऑल नो दैट ऑन अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स माय नेम्स आर डिफरेंट, एड्रेस अलग है, सो आई एम रेक्टिफाइंग दैट। तो अभी मेरा नाम मैंने चेंज किया है, यूज टू बी शौनक उमेन मैथ्यूज, अभी मैंने शौनक संतोष मैथ्यूज रखा है बिकॉज संतोष इज माई डैड्स नेम एंड महाराष्ट्र में इट्स कंपल्सरी और समथिंग कि आपको आपके डैड का नाम मिडिल नेम पे रखना है, सो शौनक संतोष मैथ्यूज इज माई न्यू नेम। सो दिस पीस ऑफ पेपर इंडिकेट्स कि मेरा नाम बदल के अभी हैव टू गो टू द ऑफिस अगेन टुमारो, फिर आधार कार्ड पे चेंज होगा, उसके बाद पैन कार्ड पे चेंज होगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के बिना मैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकता था, विच आई एम प्लानिंग टू डू लेटर दिस ईयर। तो वी आर वन स्टेप क्लोजर, वी विल नाउ गेट एवरीथिंग एल्स सॉर्टेड और फिर हम निकल जाएंगे थोड़े महीनों में। इसको भी कार्डियो करने के लिए लेके जाना पड़ेगा एक दिन। बट आज वर्कआउट के टाइम मैन आई हिट दोस 50 kgs फॉर 8 reps। आई ट्राइड गोइंग फॉर द 9th rep पर वो नहीं होने वाला था, आई ऑलरेडी डिसाइडेड 8th के बाद ही नहीं जाना था, बट जस्ट फॉर लाइक द सेक ऑफ इट मैंने ट्राई किया था। और शोल्डर प्रेस के बारे में भी बात करना है क्योंकि वी गॉट 15 kgs ऑन ईच साइड फॉर अ सक्सेसफुल 3x10। नॉर्मली मैं तो 12.5 के साथ करता हूँ लेकिन आज मैंने डिसाइड किया था कि 15 kgs के साथ करेंगे बिकॉज आई हैड सो मच एनर्जी, आई वाज सो हैप्पी आफ्टर हिटिंग माय PR कि मुझे लगा था कि मैं जिम में कुछ भी कर सकता हूँ। सो आई पुट 15 15 ऑन ईच साइड और फिर हमने एक सक्सेसफुल 3x10 लगाया था ऑन शोल्डर प्रेस। अभी कल हमारा लेग डे है, कल हम वापस 7 बजे सुबह जाएंगे अली के साथ, पर
एक कॉम्प्लिकेशन है, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सो आई हैव टू स्लीप आई थिंक 9:30 ओनली टू वेक अप इन टाइम. तो मैं अभी एक वॉक पे जाऊँगा और फिर सीधा खाने के बाद सो जाऊँगा. सो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है. वीडियो पसंद आया प्लीज़ जाके लाइक करो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जाके करो, इससे मुझे बहुत मदद होती है. और कोई फ्यूचर वीडियो मिस नहीं करना है, गो हिट द बेल आइकॉन, यूट्यूब आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा जब भी मैं एक वीडियो रिलीज करता हूँ. टिल देन टेक केयर गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी को कल के वीडियो में.